हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना करवा चौथ मेकअप लुक शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने मेकअप लुक किया है, ये मैंने करवा चौथ के लिए किया था। करवा चौथ में मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अब इस मेकअप को कैसे कम्प्लीट किया, क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए। तो चलिए इसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओजोन का टोनर यूज़ किया। ये ओजोन का कम्बर टोनर है, बहुत ही अच्छा वाला टोनर है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे वाले देखने को मिले हैं। इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं, इससे आपके जो भी पोर्स हैं वो सभी पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मिनट के लिए अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज करनी है। और अब मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर लिया है। काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है और रीज़नेबल भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बजट फ्रेंडली है। थोड़ा सा मैंने प्राइमर लिया और अपने पूरे फेस पे डैब डैब करके लगाया इसे। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये करवा चौथ मेकअप लुक है, तो हमें रात तक ऐसे ही रहना है, तो इसीलिए हमें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना होगा। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए बीबी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है, मेरी सबसे फेवरेट वाली क्रीम है। मुझे कोई भी मेकअप करना हो, कोई भी ओकेशन पे, तो मैं इसी क्रीम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस और नेक पे इसे अप्लाई किया है। देखिए कितनी अच्छी इसने मुझे कवरेज दी है। और अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ही मैंने कंसीलर लिया, जस्ट अपनी अंडर आइज पे मैंने लगाया है और चिन पे थोड़ा सा लगाया है, बस इनफ। और अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मुझे कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे आई थिंक सीपी का कॉम्पैक्ट लिया है और डैब डैब करके मैंने अपने पूरे फेस पर इसे लगाया है। अब मैंने पिंक कलर की आई शेडो लगाई है और एक स्मजर ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से स्मज कर लिया है अपनी दोनों आईज़ पर। लाइट पिंक, पिंकिश पीच सा कलर है। अब मैं हाइलाइटर अपने एज आई शेडो लगा रही हूँ। थोड़ी सी हाइलाइटर मैंने लगाया ताकि एक शाइनिंग वाली लुक आ जाए। और अब मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने मोटा आईलाइनर नहीं लगाया था, बिल्कुल बारीक सा मैंने आईलाइनर लगाया है। मैंने अपने मेकअप को कुछ इस तरह से किया है कि ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, रात तक मेरा मेकअप टिका रहे। अब मैं यहाँ पे काजल यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, इसीलिए काजल स्मज ना हो जाए, इसलिए मैं आई शेडो को, ग्रे कलर की आई शेडो को एज अ काजल लगा रही हूँ। और जस्ट अपनी वाटर लाइन पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया है। और अपने इनर कॉर्नर्स पर और आईब्रोज के पास मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब आप मेरी रात वाली पिक्स देखना, मेरा मेकअप बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ था, मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर लगाने से आपके फेस की लुक बहुत अच्छी आती है, आपका फेस बहुत ही शाइनी ग्लॉसी लगता है, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉरस लगता है। अपने चीक्स पे, आईज के आसपास मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे पीच पिंकिश का कलर लिया है जो मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच था, बिल्कुल लाइट कलर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लगाया। अब अपनी लिपस्टिक को भी सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड लिपस्टिक से मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिक रहेगी।
जो मेरा मेकअप लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे अपना हेयर स्टाइल करना है, इयर रिंग्स पहनने हैं, टिक्का लगाना है। तो अब मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी। अपनी अपर लैशेज़ और लोअर लैशेज़ दोनों पर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। ये एलोवेरा स्पेशल मस्कारा है, ये भी वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो अब मुझे बैंगल्स पहननी है। इसके बाद मैं अपना जो भी इयर रिंग्स, टिक्का, हेयर स्टाइल वो सब करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फाइनल लुक। अपने करवा चौथ के दिन में कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।